आज के टॉपिक में हम पढ़ते हैं आत्मशांति। आत्मशांति मानसिक और शारीरिक रूप से किस प्रकार हमारे मन को, हमारी गतिविधियों को, हमारे शरीर को किस प्रकार स्वस्थ रखती है और हम किस प्रकार आत्मशांति को प्राप्त कर सकते हैं। मन को शुद्ध किए बिना शांति नहीं मिलती है, ये हमें हम जानते ही जानते हैं। सर्वदा हमें हृदय शुद्ध करना पड़ेगा, अर्थात मन को शुद्ध करना पड़ेगा। यह शरीर एक दर्पण है, इसके भीतर लोभ, काम, मोह, क्रोध, मद जैसे विकार भरे पड़े हुए हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। उत्तम मनुष्य वही है जिसने शारीरिक व मानसिक के साथ साथ आत्मिक उन्नति की, अर्थात जिसका शरीर निरोग है और मन पवित्र है, उसको अपनी आत्मा को पहचान लिया है। आत्मा ही सत्य शाश्वत है। अब आत्मशांति, अगर आत्मशांति को हम देखें तो तीन प्रकार की होती है, या फिर आत्मशांति को हम तीन प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। सतत्व के आधार पर, तत्व ज्ञान के आधार पर और निर्विकल्प समाधि को सुदृढ़ यात्रा द्वारा। ये सब हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? योगासनों के द्वारा। लेकिन हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस चंचल भव सागर में शांति कहाँ, ऐसी हमारी धारणा है, परंतु ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस समुद्र की अभिलाषा रूपी लहरें चंचल है, तथापि समुद्र गंभीर है। यदि हम हृदय को शांत कर ले तो हमें शांति प्राप्त होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घर बार छोड़ दो, तपस्या करो तो शांति प्राप्त होगी, किंतु ऐसा नहीं है। शांति को प्राप्त करने के लिए वस्तुओं से स्नेह को जोड़ते हैं, इतने पर भी शांति नहीं मिलती है तो धन की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, पर इससे भी शांति नहीं मिलती है। आत्म शांति मिलती है अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर का चिंतन करने से, सच्ची आत्म शांति मिलती है। अब हमारे कर्तव्य क्या है जो हमें जीवन को निर्वाह करने के लिए आवश्यक है? वो सारे कर्तव्य हमें निभाते हुए ईश्वर का चिंतन करते हुए सच्ची आत्म शांति मिलती है। सच्ची आत्म शांति स्व कर्तव्य पालन से ही प्राप्त होती है। जैसे एक दोहा है, सज्जन को दुख ही दिए दुर्जन करे आस, जैसे चंदन को घिसे सुंदर दे सुआ। अगर हमें आत्मशांति को ग्रहण करना है या आत्मशांति को हमें विकसित करना है तो हमें सकारात्मक सोच चाहिए, सच्चाई का जीवन जीना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए, अच्छे विचार मन में आना चाहिए, ईश्वर में विश्वास में भक्ति करना चाहिए, मन हमारा शांत होना चाहिए, आशाओं व इच्छाओं पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, नियमित योगासन व ध्यान करना चाहिए, संस्कारवान बनना चाहिए, दूसरों की भलाई व मदद करते रहना चाहिए, हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, अध्यात्म विश्वास करना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, अंतर्मुखी बन स्वयं को पहचानना चाहिए। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए, एकाग्रता विकसित होना चाहिए और रचनात्मक कार्यों में वृद्धि होना चाहिए। ये सभी कैसे संभव है? हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इन सभी में प्राप्त हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य भावनात्मक, मानसिक एवं सामाजिक संपन्नता। किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य वह किस प्रकार सोचता है, महसूस करता है, व्यवहार करता है को प्रभावित करता है। जैसे किसी बालक के ऊपर आत्मशांति के बारे में, या हम कहें कि हमारे लोगों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम कह सकते हैं परिवार का वातावरण, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शिक्षा आदि का बालक पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। उसके विद्यालय का वातावरण, उसके शिक्षक, उसका वहाँ का स्कूल का प्रबंधन, उसकी स्कूल की स्थिति आदि भी उसके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। और इन सभी को दूर करने के लिए और इनके माध्यम से आत्मशांति प्राप्त करने का जो साधन है वो है योग। आत्मशांति हेतु मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्य, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और मैं करता हूँ। इसके बाद दैनिक दिनचर्या पूर्ण कर योग ध्यान का प्रारंभ करता हूँ, स्नान धोना और सारे कार्य निवृत्त हो जाना। इसके बाद योग व ध्यान दोनों से मुझे शारीरिक और मानसिक दोनों की आत्मशांति का अनुभव करने में सहायता करते हैं, अर्थात मैं योग व ध्यान करता हूँ तो मुझे इन चीजों में अच्छा अनुभव होता है। सर्वप्रथम मैं अपने शरीर को थोड़ा सा गर्म करने के लिए सूर्य नमस्कार करता हूँ ताकि शरीर में थोड़ा सा गर्म हो जाए। उसके बाद ही मैं योगासन प्रारंभ करता हूँ, जिसके उपरांत शीर्षासन करता हूँ जिससे ब्लड सर्कुलेशन विपरीत दिशा में हो।
इसके उपरांत मैं गायत्री मंत्र द्वारा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता हूँ, यानी कि ओम और गायत्री मंत्र का अपने मन ही मन में बार बार उसका प्रयास करता हूँ। इसके बाद प्राणायाम करता हूँ, प्राणायाम में अनुलोम विलोम है, कपाल भारती है, ये इस प्रकार के हैं जो सांसों पर नियंत्रण करना हमें सिखाते हैं। और सबसे अच्छी आत्म शांति जो हमें मिलती है वो मिलती है भ्रमरी, भ्रमरी प्राणायाम से हमें आत्म शांति बहुत ज्यादा मिलती है। तो हमें इस प्रकार के कार्यों द्वारा आत्म शांति प्राप्त हो सकती है।